नमस्कार, डिजाइना न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं डिजाइना विशेष। आज सूर्य ग्रहण है, पूरे देश में सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, विश्व के कई देशों पर यह सूर्य ग्रहण का असर देखा जा रहा है। और खास तौर पर इस सूर्य ग्रहण का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारी से जूझ रही है। इस वैश्विक महामारी और ग्रहण को अगर हम मिलाकर देखें तो ये बहुत कुछ समझने वाली बात होगी कि इस ग्रहण का खासतौर पर कोरोना महामारी पर क्या असर पड़ेगा, मरीजों पर क्या असर पड़ेगा और पूरी दुनिया कब तक इस महामारी से मुक्त हो पाएगी। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारत के बहुत ही प्रतिष्ठित, बहुत ही प्रसिद्ध, मशहूर गणेशाचार्य जी, आदरणीय श्री कैलाश नागर गुरु जी, जिन्हें पूरा भारत गणेशाचार्य के नाम से जानता है, जो अपने ज्योतिष ज्ञान के लिए बहुप्रसिद्ध हैं। इसके अलावा वे कर्मकांड में और विज्ञान में बहुत ही ज़्यादा रुचि रखते हैं, उनकी विशेषज्ञता हासिल है और उनके द्वारा तैयार किए गए कई आचार्य, कई शिष्य भारतवर्ष में अपनी सेवा दे रहे हैं। आचार्य जी, आपको मैं प्रणाम करता हूँ, चरण वंदन करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि आपके आशीष से न केवल डिजाइन न्यूज के तमाम दर्शक बल्कि हमारे भारतवर्ष में जो इस वक्त महामारी चल रही है उसको कहीं ना कहीं उसमें रोकथाम करने की को मदद मिले। आचार्य जी, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस सूर्य ग्रहण का और कोरोना का क्या संबंध है। देखिए, जय श्री गणेश। सबसे पहले सब दर्शकों को, डिजाइना न्यूज चैनल के और आप सभी को भी, सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, प्रकृति के ऊपर उसका असर बिल्कुल होता है। आपने कोरोना को लेकर प्रश्न पूछा है। देखिए, कोरोना जब पिछला जो दिसंबर में ग्रहण गया, सूर्य ग्रहण, उस समय से यानी नवंबर के आसपास से इसका प्रभाव शुरू हुआ और ये धीरे धीरे बढ़ता हुआ और आज इस स्थिति में आ गया। लेकिन अब ये जो ग्रहण, पिछला सूर्य ग्रहण और ये सूर्य ग्रहण, दोनों की अगर तुलना करें तो ये सूर्य ग्रहण इसको विदाई करने में एक महत्वपूर्ण रोल निभा सकता है। कोरोना के विदाई करने में कोरोना की महत्वपूर्ण रोल कैसे होगा गुरु जी? वो ऐसे होगा कि देखिए, सूर्य ये जो ग्रहण है ये इस वक्त मिथुन राशि में हो रहा है, आद्रा और मृगशिर नक्षत्र के बीच में। आद्रा नक्षत्र का स्वामी राहु है और वो बड़ा षड्यंत्रकारी है, लेकिन मृगशिर नक्षत्र है वो थोड़ा शांतिदायक नक्षत्र है। तो एक तो ये कारण है। दूसरा बड़ा जो कारण है वो यह है कि 23 सितंबर तक, मतलब ये ऐसा नहीं कि आज ही विदा हो जाएगा। देखिए, कोई भी ग्रहण आता है तो जब तक उसका अगला ग्रहण नहीं होगा तब तक उसके असर भी रहेंगे, लेकिन ये 23 सितंबर तक इस ग्रहण के असर आएंगे और धीरे धीरे हम लगेगा कि 23 सितंबर के बाद जो है कोरोना जैसी महामारी जिसने पूरे विश्व को अपनी उंगलियों पर नचा रखा है थोड़ा ठीक होने के कगार पे आएंगे। लेकिन एक बात हो रही कि दिसंबर तक आते आते हमारे भारत से इसकी विदाई लगभग तय हो जाएगी, क्योंकि ग्रहण काल बड़ी खबर, बहुत अच्छी सूचना, बहुत सुखद सूचना हमें आचार्य गुरुजी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं, गणेशाचार्य जी ने कहा है कि सितंबर में इसका असर काफी कम हो जाएगा और दिसंबर तक ये विदा हो जाएगा। लेकिन फिलहाल इस तरह के भी कई ज्योतिषाचार्यों की मैं भविष्यवाणियां पढ़ रहा था कि जुलाई अगस्त में भी ये कोरोना अपना खासा असर दिखाएगा। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। दरअसल क्या है, अभी इसका जो क्लाइमेक्स है, जैसे हम पिक्चर में देखते ना, एक क्लाइमेक्स आता है, चरमोत्कर्ष, वो समय इसका अब आ रहा है। और ये समय आने वाला जो मैंने कहा सितंबर से विदा, तो से का मतलब उसके पहले ये अपने तमाम हथकंडे अपनाएगा, जितने भी हथकंडे हैं कोरोना के, हम ये समझकर और लापरवाह ना हो जाएं कि ये जाने वाला है। नहीं, इससे हमें जिंदगी भर लड़ना है। एक बात ये भी याद रखिए आप, जैसे हम चेचक से लड़े, पीलिया से लड़े, अन्य बीमारियों से लड़े, ऐसे ये भी कहीं ना कहीं हमारे साथ ही रहेगा। ये अजर अमर है, अब ये मरेगा नहीं। ये नहीं, ये ऐसा राक्षस है जो रक्त बीज को आशीर्वाद दिया था ना कि भाई जहां भी माँ मारेगी दुर्गा और वो जहां उसका रक्त गिरेगा नया बीज खड़ा हो जाएगा। ये उसी तरह से इसकी मारक क्षमता कम हो सकती है पर ये खत्म नहीं होगा। तो 23 सितंबर तक ये से कम होगा, तो अब जुलाई अगस्त में इसकी पीक, इसका चरम आप कहां तक देख रहे हैं? मैं देख रहा हूं कि ये कहीं ज्यादा महामारी के रूप में ना फैले, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि धनु राशि का जो केतु है वो गुरु के घर में है। बहुत बड़ा मैं ज्योतिषीय आकलन आपको थोड़ा प्रस्तुत कर रहा हूं, सब लोग ध्यान से सुन लीजिए। धनु राशि के अंदर जिसका स्वामी गुरु है उसमें केतु है। केतु कौन है? सांप की पूंछ,
ऐसे सांप की पूंछ पे पांव रख दो ना आप, तो उसका मुंह राहु सीधा उल्टा डंस मारता है। कहते हैं कि सांप का सीधा फण लगा हुआ वो तो एक बार बच जाता है, पर अगर वो उल्टा डंस मार दे तो मनुष्य नहीं बच पाता है, या कोई भी जीव नहीं बच पाता है। तो एक तो धनु का केतु का भ्रमण, दूसरा धनु राशि का स्वामी गुरु मकर राशि में, यानी एक घर आगे जाके नीच राशि में, मकर राशि का स्वामी शनि स्वयं अपने घर में लेकिन साढ़े साथी के रूप में, और इस वक्त श्रीवास्तव जी 6 ग्रह वक्री हैं, 6 ग्रह इस सौर मंडल में, इस ब्रह्मांड में उल्टे चल रहे हैं, और उल्टे ग्रह कभी भी सीधा काम नहीं करते हैं, ये बिल्कुल सत्य है। तो इसलिए इस बीमारी से बचने का एक ही हमें बचाव है कि हम जितना ज्यादा अनुशासन में रहें, प्रिकॉशन में रहें। जैसे हम एक ग्रहण काल में सूतक काल की बात करते हैं, सूतक में हम नहीं तुलसी पत्र डाल देते हैं, हम वो डाब डाल देते हैं कि भाई जो इसकी विकिरण है, और भजन पूजन पाठ करते हैं, भजन भगवान का नाम लेते हैं, स्मरण करते हैं। कलयुग बस नाम आधारा, कलयुग में तो नाम का ही आधार है। तो ऐसे ही इस कोरोना के साथ निपटने के लिए हमें एक डिस्टेंस और जितनी भी अनुशासन इसके हैं, नियम है, और सैनिटाइजर, SMS बस, ये इसके लक्षण को दूर करने के लिए, इस बीमारी को अपने अंदर प्रवेश ना करने के लिए अपना कवच है, जैसा आपने कहा सैनिटाइजर और ये कवच मैं मास्क पहन ही लेता हूँ, जैसा कि आपने कहा कि इससे रखना चाहिए, तो मैं पहन ही लेता हूँ ताकि हमारे दर्शक भी जो है सीखें। मैं भी पहन के आया हूँ और इससे सीखें कि करें। और अब हम गुरु जी, अगर हम इस विषय को बात करें, जिस ग्रहण को देखें, अगर मैं ग्रहण पे राशियों को मैंने पहन लिया, इसलिए अगर आप उतार भी देंगे तो चलेगा, ठीक है, ठीक है। अगर हमने इसको हम राशियों के आधार पर अगर देखें तो किस तरीके से आप इसको देखते हैं? देखिए, पहले हम ये बात जानें कि लगभग 8 राशियों पर इसका प्रभाव है, 12 राशियां हैं उनमें 8 राशियों पर प्रभाव है। लेकिन ये समझे, मैं तो ये भी कहूंगा कि 12 राशियों पर इसके प्रभाव है, क्योंकि ये किसी भी राशि को छोड़ने वाला नहीं है, ये जो ग्रहण है याद रखिए किसी भी राशि को छोड़ने वाला नहीं है। कि राशि का उल्टा होता शिरा, और इसने ऐसा शिरा पकड़ा है इस बार कि आपके तन मन धन सब पर अपने असर डालेगा। लेकिन फिर भी जैसे आपने प्रश्न किया है, मेष राशि है थोड़ा राहत रहेगी, सिंह राशि है थोड़ी राहत रहेगी, कन्या राशि है थोड़ी राहत रहेगी, और मीन राशि है इनको ये थोड़ी राहत देगा। गुरु जी आपने बचा लिया मेरे को, मेरी मीन ही राशि थी, मेरी धक धक बढ़ रही थी कि गणेशाचार्य जी क्या बोलने वाले हैं, तो बचा लिया आपने। आपका स्वामी गुरु है ना, अब वो क्या है कि इस ब्रह्मांड में ये जो घटना हो रही है, खगोलीय घटना, इस घटना से मीन राशि बची हुई है, क्योंकि वो जलचर राशि इनके लिए खराब रहेगी। देखिए वृषभ राशि, बहुत ज्यादा ध्यान रखने अपने परिवार का, आपकी राशि बेल है, आपको जिंदगी भर बेल जैसे जुटना ही पड़ता है, अगर मेहनत नहीं करो तो लोग खूंटे से बांध देते हैं, पर वहां पे खाना दे ना दे ये ईश्वर की हरी इच्छा। वृषभ राशि बहुत ध्यान दे। मिथुन राशि, आपकी राशि में ये ग्रहण हो रहा है, इसलिए आपको तो जरा सी भी लापरवाही, और यह मत समझना कि आज का ही असर है, ये असर आपकी राशि में 23 सितंबर तक रहेगा, ध्यान से सुन लीजिए आप। और बड़ी बात यह कि पिछले 2-3 महीने में 3 ग्रहण कई योग आ गया, पिछले अभी 15 दिन पहले चंद्र ग्रहण हुआ, आज सूर्य ग्रहण, और इसके बाद फिर चंद्र ग्रहण आने वाला 14 दिन बाद में। 3 ग्रहों की ये जो लपेटे में लेने वाली माया है, ये किसी भी राशि को छोड़ने वाली नहीं है, आप ध्यान रखिए। लेकिन मिथुन राशि, आपसे मेरा विशेष आग्रह है, आप अपने पेट, अपने पैर और अपने मस्तिष्क को क्रोध का बिल्कुल भी, अगर आपने कहीं गुस्से में जल्दबाजी में कोई ऐसा डिसीजन ले लिया, वो आपके लिए पांव पे कुल्हाड़ी मारने जैसा रहेगा। मेष राशि की बात कर रहा था मैं कि मेष राशि अच्छी है, सब बढ़िया है, लेकिन अति उत्साह में नहीं आए आप, ऐसा लीडरशिप की भावना आपके अंदर है बहुत ज्यादा, लेकिन ये ना समझ लें कि आप ही सत्य हो, जीवन में और भी तरफ देखें कि कौन सत्य है, क्या ऐसा तो नहीं है कि आपने शुतुरमुर्ग की तरह एक आवरण ओढ़ लिया है और दुनिया अलग तरह की है। थोड़ा खोल के देखिए दुनिया को, पास में जाइए और अपने स्वार्थ से दूर रहिए। आपको हनुमान जी की आराधना करना चाहिए, क्योंकि आप मुझे निश्चित है प्रतीक जी की पूछेंगे कि क्या उपाय होगा मेष राशि का, क्योंकि ये तो आप जब अगर ये बता रहे हैं कि क्या संकट है,
तो भगवान उपाय भी आपको ही बताना पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने कहा है तो मैं जो हमारे वेदों के अनुसार जो भी भगवान ने रास्ते बताए हैं तो मुझे, मैं चाहूंगा गुरु जी हमारे दर्शकों के लिए बहुत आसान ये रहेगा कि आप बारह राशि की समस्या बता दें और समाधान बता दें। ठीक है, देखिए मेष राशि की जो समस्या है, ज्यादा ये ग्रहण का असर आप पे नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने अभी कुछ देर पहले आपसे कहा है, निवेदन किया है कि अति आत्मविश्वास में, अति आत्म उत्साह में काम ना करें और अपने आसपास के लोगों को इग्नोर ना करें। कहीं ऐसा ना हो कि आज आप जिनको इग्नोर कर रहे हैं एक दिन वो आपको ऐसा इग्नोर करें कि आपको पछतावा करना पड़े। तो आपको मेष राशि के लोगों को बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है, लेकिन इस ग्रहण का असर आप पे इतना खराब नहीं है। कोई नया काम आपका होगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, किसी से अगर बहुत समय से बिगड़े हुए रिश्ते हैं वो आपके बनेंगे, कहीं से पुराना धन अटका पड़ा है वो भी आपको प्राप्त हो सकता है, इस तरह की उम्मीदें हैं। लेकिन आपको राशि के स्वामी मंगल है, आपको हनुमान जी की सेवा करना चाहिए, इस वक्त आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, और ये एक बार नहीं 21 बार करें, 51 बार करें, इस ग्रहण काल में अभी तो चल ही रहा है, बहुत लाभ ले लीजिए आप। ये बहती गंगा है, ये प्रकृति स्तब्ध है, खड़ी हुई है देने के लिए। अगर आपने अपने हाथ फैला ली, अपनी बाहें फैला ली, तो आप ये समझ लीजिए प्रकृति आपको देने के लिए आतुर है, बस आप अपना हाथ फैलाइए। और हाथ कैसे, भगवान की शरण में जाके फैलाना होता है। तो हनुमान जी की, पवन पुत्र की, जो इस कलयुग में सजग है, उनकी आराधना करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए, ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करिए, 108 बार करिए, और ज्यादा कर सकते हो और ज्यादा करिए। वृषभ राशि के जो लोग हैं उनको इस वक्त अपने मुख रोग यानी दांत का खास ध्यान रखने की आवश्यकता है आने वाले समय में। और मुख रोग का मतलब वाणी भी है, वाणी पर संयम रखें। मुख रोग का मतलब खाने में संयम रखें, कुछ भी अनर्गल खा करके अपने पेट अपने शरीर को खराब ना करें। फूड पॉइजनिंग का आपको खतरा हो सकता है, इसलिए आपको खाने में बड़ा चूजी रहने की आवश्यकता है। और आपको क्या आराधना करना चाहिए, आपको महालक्ष्मी की आराधना करना चाहिए। देखिए आपके स्वामी शुक्र है, कला के, सौंदर्य के, धन के, लक्ष्मी के कारक शुक्र, उनकी आराधना में ओम द्राम द्रीम द्रोम स शुक्राय नमः इसकी माला जपिए और महालक्ष्मी की आराधना करिए। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, इन मंत्रों का जाप करिए आप। और देखिए कैसे कृपा होती है, हनुमान चालीसा न कर सकें ज्यादा तो ओम हनुमते का जाप कर लें, लक्ष्मी जी का जाप कर लें, लक्ष्मी चालीसा कर लें, हनुमान चालीसा कर लें। उसके बाद की राशि मिथुन राशि, मिथुन राशि में तो ये ग्रहण अपनी वो जो होता है ना जो समुद्र में क्या होता है वो भूचाल आता है और ज्वार भाटा उठ जाती है, ज्वार भाटा उठते हैं। आपकी राशि इस वक्त लो टाइट्स हाई टाइट्स के बीच में झूल रही है। मिथुन जिसका स्वामी बुध, बुध क्या है हरितमा, बुध क्या है वायु, बुध क्या है वाणी, बुध क्या है व्यवसाय, और बुध ले सुध पर उस राशि के अंदर जब राहु और सूर्य का ग्रहण पड़ रहा हो तो शांति कैसे मिलेगी आपको, आपका मन बड़ा चंचल रहेगा इस समय में, हर छोटी छोटी बातों का आप अपने दिल पर ले लेंगे। देखिए दिमाग पर लेते हैं तो निकाल देते हैं, दिल की बातें बहुत मुश्किल से निकलती हैं। और ये कोशिश ना करें कि मुझसे कोई आगे जा रहा है तो मैं उसे रोक दूं, जाने दीजिए, अपनी लकीर बड़ी कीजिए, किसी की लकीर छोटी करने की आवश्यकता नहीं है आपको, और परमात्मा आपका साथ देगा। और शनि की ढैया भी चल रही है आपको, इसलिए शनि न्याय के देवता हैं, तो आपको सब तरफ से न्यायवादी बनना है। कुल मिला के बात यह है, आपको ये याद रखना है भगवान विष्णु की शरण में आपको जाना पड़ेगा। इस ग्रहण को आपकी राशि पे जो हो रहा है इसको कोई बचा सकता है तो गजेंद्र मोक्ष स्त्रोत का पाठ करिए, वो आपके जीवन में आनंद ही देगा। गजेंद्र मोक्ष मतलब समझते हैं आप, जो हाथी गजेंद्र, राजा गजेंद्र का हाथी ने जो पाव पकड़ लिया था और उन्होंने जो उसका पाठ करा, भगवान विष्णु को याद किया और तब निकले। क्या बात है,
एक कमल का फूल सरोवर में से लिया और भगवान विष्णु का नाम लेकर के और गज ने जो है ये स्तुति की गजेंद्र मोक्ष की। हे परमात्मा, हे दीनदयाल, ये मगरमच्छ से बचाइए मुझे इस गहा से, तो, इस मगरमच्छ से। तो हमारे जीवन में माया के, लोभ के, ईर्ष्या के, द्वेष के, राग के बहुत सारे मगरमच्छ हैं जिनने हमें पकड़ रखा है। इन मगरमच्छों से बचने का एक ही रास्ता है, भगवान विष्णु, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। जय हो, जय हो। आपका अंदर का प्रोफेसर जागृत हुआ, मुझे बड़ी खुशी हुई। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। देखिए ज्ञान जो है, आप ज्ञान देते हैं सबको और ज्ञान देने वाला ही गुरु है। अब हम एक आचार्य हैं लेकिन आप भी उसी रूप में हैं और आपके अंदर भी भगवान ने इतने अच्छे संस्कार डाले हैं सब तरह से, तो वो सब चीजें अंदर भरी हुई है। तो उसके बाद की राशियां, उसके बाद कर्क राशि आती है, जलचर राशि है, केकड़े वाली राशि है। आपको खास तौर पर पे अपने आसपास या अपने घर में कोई कला ना हो, इस बात का ध्यान रखिए। आपकी माँ के स्वास्थ्य पर असर आ सकता है इस ग्रहण का, इस बात पे, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी ही चंद्रमा है और चंद्र के पीछे क्या लगा है, माँ। तो आप पके हुए चावल, थोड़ा घी शक्कर डाल करके किसी गरीब को दान कर दीजिए, ज्यादा ना हो सके तो किसी मंदिर में दान कर दीजिए, खीर दान कर दीजिए और ग्रहण काल के बाद में बड़ी अच्छी खीर बनाइए, पूरे परिवार के लोग खाइए शांति के रूप। और ज्यादा हो तो आप एक काम और कर सकते हैं, अपने घर के अंदर जो है नमक के पानी का पोछा ग्रहण काल के बाद लगाइए, उससे आपके घर के अंदर शुद्धि होगी, नकारात्मकता खत्म हो जाएगी। नमक के पानी से पोछा लगाने पर नकारात्मकता खत्म होती है। फिर सिंह राशि की बात करते हैं, अच्छी है आपके लिए, ज्यादा खराब नहीं है, पर आवेश में ना आए। और सबसे बड़ी बात यह है कि वाहन सावधानी से चलाएं, क्योंकि तेज आवेश या क्रोध आता है तो क्रोध बुद्धि का नाश कर देता है। गाड़ी चले गुस्से में और देखे जाके ठोक दी, नहीं, आपको बहुत संयम की आवश्यकता रहेगी जीवन के अंदर। आपको सूर्य भगवान की आराधना करना चाहिए, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम सूर्याय नमः, या आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ आप करिए। नमक की मात्रा खाने में कम कीजिए, रोज नित्य सवेरे उठते ही थोड़ा सा गुड़ या शहद का सेवन करें, इससे आपका परम कल्याण होगा, आगे का रास्ता और भी सुबह सूर्य को जल चढ़ाना बहुत उपयोगी रहेगा। अरे तो अति उत्तम है, तो मैं भूल ही गया था, बहुत अच्छी। मतलब सूर्य को अर्घ देना, यानी समझ लीजिए आपने जब अर्घ दिया, अर्घ क्या है, तांबे का लोटा आपने लिया वो अर्थिंग का, पानी लिया वो अर्थिंग का, आपने उसमें गुड़ और कंकु डाला वो लाल रंग सूर्य की रश्मियों से मिक्स हुआ, जमीन पर डाला वो अर्थिंग, तो आपकी निगेटिविटी सारी ट्रांसफर हो गई। सबसे बड़ा अर्थिंग का स्रोत तो वो है सूर्य ही है, भगवान भास्कर, भास्कर और प्रत्यक्ष देवता, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, सब सामने दर्शन अपने हो जाएंगे। उसके बाद की राशियां, कन्या राशि की बात करते हैं, आपकी राशि पे खराब नहीं है लेकिन हर बात में आपको ही श्रेय मिले ये आवश्यक नहीं है। मन को बड़ा उदार रखिए, आप धन प्राप्त होगा, कोई नया ऑफर जॉब में आपको आ सकता है, कोई नए बिजनेस की आपको समझ आ सकती है। सोते सोते रात को एक मंत्र में आपको दे रहा हूं, इसका आप जाप करिएगा। पहले तो यह नियम बनाए कि रात को सोने से पहले आपको स्नान करना है और ओम बुम बुधाय नमः, आपका यह मंत्र है, ग्रहण काल में सिद्ध कर लीजिए और इस मंत्र को हमेशा जाप करिए, ओम बुम बुधाय नमः। इससे आपके समस्त संकट दूर हो जाएंगे। तुला राशि की बात करते हैं, एक ही मंत्र ने चमत्कार कर दिया, एक ही मंत्र का चमत्कार, समस्त विघ्न बाधाओं का नाश। अब तुला राशि, तुला राशि, तुला, थोड़ा आपको इस वक्त आगे पीछे का विचार करना पड़ेगा, ऊपर नीचे का विचार करना पड़ेगा, अपनी धर्म पत्नी के कंधे से कंधा मिला करके, अपने अर्धांगिनी के कंधे से कंधा, अगर स्त्री है तो अपने पति से और पति है तो अपनी स्त्री के साथ कंधे से कंधा मिला के चलिए। विरोध की भावना मत रखिए, कलह मत करिए, कलह जहां रहता है वहां लक्ष्मी की बड़ी बहन आ जाती है अलक्ष्मी, और जहां शांति होती है वहां लक्ष्मी स्वयं विराजमान होती है। दूसरी बात यह है कि आप यदि कोई नया कार्य करना चाहते हैं तो आने वाले 11 दिन के बाद उस कार्य की आप रूपरेखा बना लीजिए और कार्य शुरू कर सकते हैं, उस कार्य में आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। इसके अलावा अपने संतान को लेकर भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। संतान को अगर आपने ध्यान दिया तो आप ये समझ लीजिए
कि आपका जीवन संतान ही पूरा आगे का विचार में पूरा कर देगी। इनको कौन सा मंत्र जाप करना चाहिए? तुला राशि की जो आराध्या देवी है वो भी लक्ष्मी है, वो महादेवी लक्ष्मी ही आपका कल्याण करेगी, तो आप लक्ष्मी स्त्रोत का पाठ करिए। आप अपने घर से कोई फल का दान ग्रहण के बाद कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके कार्यों में बार बार विघ्न आते हैं तो आप घर में अपने थोड़ा सा कंकु, थोड़े चावल, ये दोनों को मिक्स कर लीजिएगा और एक मिट्टी का पात्र यदि मिल जाए तो उसमें रख लीजिएगा और वहां पर आपको ओम शुम शुक्राय नमः का जाप करके उसको स्थापित कर दीजिए। अगले चंद्र ग्रहण तक उसको स्थापित रहने दीजिए, उसके बाद किसी जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि के जो लोग हैं पेट पर उनके इस वक्त बहुत असर आ सकता है, खान पान में ध्यान रखिए। हाँ, धन की आवक आपको मिलने वाली है, संतान की तरफ से अच्छे समाचार आपको प्राप्त होंगे। यदि आप कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो अभी उसको विराम दीजिएगा, कम से कम एक महीने बाद कोई भी नया काम शुरू करें, उसमें अभी सफलता की योग नहीं है। हाँ, आर्थिक पक्ष, मानसिक शांति, इन दोनों को बनाने के लिए आपको भगवान शिव की शरण में जाना पड़ेगा। ओम नमः शिवाय की 108 मंत्र की एक माला का जाप जितना हो सके। ये तो सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, सर्वश्रेष्ठ बीज मंत्र है ये तो। महादेव का मंत्र है और आनंद का मंत्र है, और ओम लग जाता है तो बीज लग जाता है, नमः शिवाय पंचाक्षरी बन जाता है, तो ये तो अद्भुत मंत्र है। अगर ये एक मंत्र ही सारे मंत्रों की ये सिद्ध कर लीजिए, अभी इस ग्रहण काल में अगर आप एक माला भी करते हैं तो ये सिद्ध हो जाएगा। ग्रहण काल में जो भी मंत्र जपेंगे वो सब सिद्ध हो जाएंगे और हमेशा जीवन पर्यंत आपके साथ होंगे, आपके हर कार्य को सफल करेंगे। धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि में थोड़ा आपको ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, अहंकार की भावना खत्म करिएगा, झुकना भी शुरू करें लोगों के सामने थोड़ा, ऐसा नहीं कि दुनिया को झुकाते रहे। और आपका स्वामी गुरु इस वक्त नीच राशि में चल रहा है, इसलिए आपका ईश्वर से थोड़ा मन उठेगा, आपका भगवान की भक्ति में मन नहीं लगेगा। लेकिन जिनका भगवान की भक्ति में मन नहीं लगता है उनके ऊपर राक्षसी शक्तियां हावी हो जाती हैं, राहु आकर बैठ जाता है। ईश्वर की शरण में जाइए, आपके जीवन में जो रण है, ये जो रण क्षेत्र है जीवन, इसमें सब काम आपके सिद्ध हो जाएंगे। आपको ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह गुरुवे नमः, या ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इन दोनों के मंत्र का जाप कर सकते हैं, यह मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। मकर राशि के लोग बड़े उधेड़बुन में हैं इस वक्त, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये भी कर लूं, लेकिन आपके कार्य में सफलता आपको अवश्य मिलेगी। आपको थोड़ा अपने रक्त विकार पर ध्यान देने की आवश्यकता है, और साथ में जब घर में रहें तो दिशा आपकी उत्तर दिशा सर्वश्रेष्ठ रहेगी, उस दिशा में अपना ध्यान लगाकर बैठिए या 2 मिनट के लिए वहां बैठकर फिर अपने कार्य पे जाएं, आपके कार्य सिद्ध होंगे। आपको भी भगवान शिव की आराधना करना चाहिए, शिव कवच का पाठ करना चाहिए, अमोघ शिव कवच का पाठ करना चाहिए, ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए, इससे आपके सारे कार्य सिद्ध हो जाए। और मकर राशि वालों के बारे में मैंने सुना था, गुरुदेव पढ़ा था कि ये लोग स्वास्थ्य से बहुत परेशान है, तो इनके स्वास्थ्य के लिए इनको क्या करना चाहिए? देखिए, स्वास्थ्य के लिए यही है कि आपको एक तो खान पान का सिस्टम सुधारना पड़ेगा। सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तक अपना भोजन कर लीजिए, जितना देर से आप भोजन करेंगे, क्योंकि आपका पाचन पूरा बिगड़ा हुआ है और उसी से पूरे शरीर में रोग आ रहे हैं आपके, तो आप और गुरु भी नीच का है तो कई ज्वाइंटिस भी ना हो जाए आगे आपको, क्योंकि बारिश का मौसम है, ज्वाइंटिस तो इसमें ज्यादा होने लगता है, पीलिया रोग, तो आपको अभी से सचेत रहना। तो आपको ये करना है कि अपनी नाभि पर रोज केसर लगा सकते हैं, हल्दी का टीका लगाइए आप, और साथ में आरोग्य रहने के लिए ये एक बड़ा वरदान आपको दे रहा हूं, नहाते समय पानी में हल्दी डाल लीजिए और उससे स्नान करिए, देखिए आपके सारे रोग शोक दुख तकलीफ भाग जाएंगे। विज्ञान भी कहता है कि जो हल्दी होती है वो सबसे बड़ी एंटीबायोटिक है, हल्दी खाने से विषाणु खत्म होते हैं, इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि कोरोना दरमियान जो है वो गर्म पानी में हल्दी डाल के पिए, हल्दी का दूध पिए, क्योंकि हल्दी एक बहुत बड़ी एंटीबायोटिक होती है, हल्दी हमारे विषाणुओं को ख़त्म करती है। शादी ब्याहों में जो हल्दी लगाने का वैज्ञानिक कारण था वो यही था कि दूल्हा दुल्हन को स्वस्थ करना, क्योंकि बहुत सारे लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, ये तमाम कारण है जिसको विज्ञान ने भी सिद्ध कर रखा है। लेकिन भारतीय परंपरा में
हल्दी का सेवन बहुत उपयोगी बताया गया है, और हम हमारे देवताओं को भी हल्दी चढ़ाते हैं, प्रभु को भी हल्दी लगाते हैं, खुद भी हल्दी लगाते हैं, खुद भी हल्दी खाते हैं। ये हमारा खोज थी जिसको बाद में अमेरिका ने पेटेंट करा लिया है हल्दी के बारे में, लेकिन भारतीय लोग तो हल्दी के गुणों से भली भांति परिचित। गुरुदेव आप आगे कोई राशि बता रहे थे। मैं कुंभ राशि की बात करूंगा। आपका स्वामी शनि है, साढ़े साथी के प्रभाव में आप हैं, अपने घुटनों के दर्द पर आप ध्यान दीजिए, वजन मत बढ़ने दीजिए, मोटापा आपके लिए नई बीमारियां खड़ी कर सकता है। योगा प्राणायाम आपके जीवन का अंश बना लीजिए आप। लोम विलोम प्राणायाम आपके लिए वरदान बन के आएगा, वरना 2 साल बाद हार्ट अटैक से कोई नहीं बचा सकता आपको। ये आपको बहुत सूचना दे रहा हूं मैं, और सचेत भी कर रहा हूं अभी से। और इस ग्रहण काल में आज जो हो गया है इसका असर, तो इस ग्रहण काल में आप ऐसा क्या करें कि जिससे आने वाला समय आपका सुधर जाए। तो आज ग्रहण के बाद में आपको काले उड़द का दान करना है, गरीबों को कंबल का दान करना है, कोई भूखा है तो उसको भोजन की व्यवस्था करा दीजिए। खिचड़ी का दान हमारे यहाँ बहुत ज्यादा मान्य है, क्या गया है ग्रहण के बाद में, तो उसका दान आप करिए, उससे आपको बड़ा परिणाम आएगा। लेकिन आप फिर कह रहा हूं कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा नियंत्रण में रखिएगा, अपने शरीर में कैल्शियम, रक्त विकार के अन्य रोग आने वाले उसको बैलेंस करेगा, फल ज्यादा खाइए आप, अन्न थोड़ा कम करिए खाने में। ये छोटी छोटी बातें हैं, मैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं करूंगा कि देखो धन धान्य अगर है आपके पास में और अगर अपना जीवन ही नहीं है तो किस काम का। अभी कोरोना ने तो बहुत कुछ सिखा दिया हमें, सब धरा का धरा पे धरा का धरा रह जाएगा, क्या हाथ में लेके जाएंगे। इसलिए आसपास के माहौल को देखिए, अपने आप को देखिए और कहिए कि मैं कहां हूं। ईश्वर की शरण के लिए आपको भगवान शिव पे इसके बाद अभिषेक करना चाहिए, दूध पानी के साथ में जाकर के थोड़ी सी तिल्ली मिल जाए तो चढ़ाइए, और पितृ देवता का ध्यान करिए। पितृ दोष भी इस वक्त आपको लग रहा है, अपने पूर्वजों का, अपने पूर्वजों का ध्यान करिए। ओम पितृभ्यो नमः स्वाहा, जल चढ़ाइए और भगवान शिव को जल चढ़ाइए। उमानाथाय नमः, गंगाधराय नमः, त्रिशूलाय नमः, त्रिशूलधराय नमः, कितने भगवान के नाम लीजिए आप, जितने ले सकते हैं सिद्ध हो जाएंगे। अब बची मीन राशि, सबसे आखिरी राशि, आपके लिए अच्छा है, आपकी सूझबूझ बहुत अच्छी चल रही है इस वक्त, आपके काम भी नए नए आपको आ रहे हैं, लेकिन आप काम समय पर कर नहीं पा रहे हैं, समय का प्रबंधन नहीं हो पा रहा है आपसे, क्योंकि आपका चित्त कहीं और है, आपका मन कहीं और है, दिमाग कहीं और है, और घर की जवाबदारियां अलग आ रही है, संतान की चिंताएं भी आपको आ रही है। तो आपको इस वक्त दुर्गा जी की शरण, मीन राशि वालों को हमेशा दुर्गा जी की शरण में जाना चाहिए, वो देवी शक्ति ही आपके अंदर बैठी हुई है, उसको जागृत करने की आवश्यकता है। महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती नमः, महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती नमः, इस मंत्र का जाप करिए आप इस समय, तो महाकाली भी महालक्ष्मी भी और महासरस्वती भी, ज्ञान बुद्धि धन वैभव सुख शांति समृद्धि क्या नहीं प्राप्त होगा आपको, तो आपके रोग शोक। काली महाकाली जो है वो शौर्य का प्रतीक है, महालक्ष्मी जो है ऐश्वर्य का प्रतीक है, और महासरस्वती जो है वो बुद्धि और विवेक का प्रतीक है। शौर्य मिल जाए, ऐश्वर्य मिल जाए और बुद्धि मिल जाए तो फिर दुनिया में चाहिए क्या। ये त्रिवेणी की गंगा बहाते रहो, ये त्रिवेणी मिल गई तो क्या चाहिए। तो ये एक ग्रहण काल में दान का बड़ा महत्व बताया, जैसे आप भी आप कह रहे थे, तो राशिवार भी दान हो सकता है, या एक सामान्यतः आप हमारे दर्शकों को बता दें कि जैसे ही 2:45 ये ग्रहण काल समाप्त होगा तो उन्हें क्या दान करना चाहिए, और दान के सुपात्र क्या है, कौन लोग हैं जिनको दान करना चाहिए। देखिए दान के सुपात्र से शुरू करूंगा मैं। दान जो है ये आप ऐसे लोगों को दीजिए, जैसे मैं ब्राह्मणों को तो बहुत सारे दान लगते ही हैं, क्योंकि ब्राह्मण पहले एक काम करते थे बेचारे, ज्ञान देना और आपके दिए गए धन धान्य से अपने जीवन का निर्वाह करना। अब बहुत सारे ब्राह्मण हैं जिनके कर्म बदल गए हैं, लेकिन जिनका कर्म ब्राह्मण है, जो मंदिर के पुजारी हैं, उनको भी आप दान दीजिए। आप अपने आसपास देखिए कौन गरीब है, अभी समय में जैसे बारिश के दिनों में लग रहा है किसी के घर में छत उजड़ रही है, तो कहीं ना कोशिश करें 5-10 लोग मिलके उसकी छत ढकवा दें, है ना। तो ये सुपात्र होता है, जो आवश्यकता भिखारी है बेचारा, अब वो भिखारी हुआ है तो उसके कर्मों से हुआ है, लेकिन हम अपनी तरफ से उसको भोजन करा दें, तो ये सुपात्र है दान के। दान क्या करें, देखिए मेष राशि के लोग जो है लाल रंग के अनाजों का दान करना चाहिए उनको, क्योंकि उनका स्वामी मंगल है, मसूर है ना, गेहूं है वो भी थोड़ा सा आ जाएगा उसके अंदर, लाल वस्त्र है, कंबल का भी दान आप कर। और देखिए इस ग्रहण काल में ऊनी वस्त्रों का दान का बड़ा महत्व कहा गया है, खिचड़ी और ऊनी वस्त्र।
नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं कि मच्छरदानी का विधान करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। अभी आप देखें कि ये भी प्रकोप है मच्छरों का। अगर किसी को कोई किसी का खून चूस रहा है और आप बचा लें तो इससे बढ़िया और क्या होगा। तो उसका आशीर्वाद आपको मिलेगा, उसकी दुआएं आपको मिलेंगी। तो मेष राशि के लोग लाल रंग के अनाज का दान, वृषभ राशि के लोग चावल है दूध है उसका दान करिए, मिथुन राशि के लोग हरे मूंग का दान करिए, कर्क राशि के लोग जो है पीले अनाज और सफेद चीजों का दान कर सकते हैं, सिंह राशि के लोग गेहूं और गुड़ और लाल वस्त्र का दान कर सकते हैं, कन्या राशि के लोग मूंग और काले उड़द का दान कर सकते हैं, तुला राशि के जो लोग हैं वो सफेद रंग के साथ साथ में लाल रंग के अनाज का भी दान कर सकते हैं ग्रहण काल में, क्योंकि सूर्य का वो दान है इसलिए वो दान आप कर सकते हैं। वृश्चिक राशि के लोग जो हैं उनको सप्त धान्य का दान करना चाहिए। सप्त धान्य ना मिले तो जो भी अपने घर में अलग अलग दालें हैं सबको मिला करके किसी गरीब को दान कर देना चाहिए। धनु राशि के जो लोग हैं उनको पीले अनाज का दान करना चाहिए। मकर राशि के लोग हैं उनको काले उड़द का कंबल का कपड़े का दान करना चाहिए। कुंभ राशि के लोग जो हैं वो भी कपड़े का दान कर सकते हैं, काले उड़द का दान, उनको तेल का भी दान करना चाहिए, किसी के घर में भोजन बन जाए। मीन राशि के लोग घी का दान करें, घी पात्र, पात्र में घी रख के पात्र सही दान करें तो आपको इन दानों से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। आपके पूर्व जन्म के पाप ताप भगवान हरेंगे और आप इस जीवन में तरेंगे। और ग्रहण काल में पूजा पाठ का भी बहुत महत्व है। मंत्रों का उच्चारण करें, मंत्रों का जाप करें, 108 हमेशा विषम अंक में मालाएं करें, मंत्रों का जाप करें। ये मंत्र अभिष्ट हो जाते हैं, ये मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। मंत्र में शक्ति है लेकिन अभिष्ट मंत्र में अनेकानेक शक्ति है। जैसे हम योजन करते हैं, नियोजन करते हैं, गुणक लगाते जाते हैं, एक के बाद एक गुणा करते जाते हैं, तो जब मंत्र हम 108 बार करते हैं और इस ग्रहण काल में करते हैं तो सिद्ध हो जाता है। गुरु जी इस पर प्रकाश डालें कि इस ग्रह काल में कैसे क्या पूजा पाठ करनी चाहिए। देखिए क्या है कि जब ग्रहण काल है ये एक तरह की छाया है जो हमारे ऊपर अनेक तरीके से पृथ्वीवासियों पर आती है। हमारा जो मणिभद्र चक्र है, हमारा हृदय चक्र है, आज्ञा चक्र है, ये सब इस वक्त एक अलग पोजीशन में आ जाते हैं सामान्य दिनों से। इस वक्त यदि कोई अंदर चीज गई मंत्रों के रूप में है, खाने के रूप में मना है क्योंकि वो उसको उल्टा असर डालेगी, लेकिन अगर सात्विक तरीके से मंत्रों के द्वारा गई तो आप ये समझ लीजिए उसके लाखों गुना फल प्राप्त होते हैं। आपने एक माला जैसे ओम नमः शिवाय की करी तो इसके 1,00,000 गुना फल इस ग्रहण काल में बताए गए हैं। आपने कोई जाप किया उस जाप आसान है, एक माला 108 की मोतियों की करिए, मनकों की करिए और लाखों का पुण्य ले लीजिए, प्रभु की किसी कृपा कृपा है वो, क्योंकि स्थिरता है प्रकृति। तो देखिए पक्षी चहचहाना बंद कर देते हैं, पत्ते हिलना, अपना हवा स्थिर हो जाती, जो सब स्थिर क्यों होते हैं, आपको गति देने के लिए कि आप एक नई गति से एक नई ऊर्जा से आगे बढ़ें। और किस तरह से, जब तक भगवान के शरण में नहीं जाएंगे तब तक कुछ भी इस जीवन में संभव नहीं है। ईश्वर की आराधना करें, जो जिस धर्म का है उस धर्म के अनुसार अपने ईश्वर की, अपने देवताओं की, अपने इष्ट देवता की, अपने गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र की आराधना करें, चिंतन मनन अपने आप आपके जीवन में सुधरता चला जाएगा। इसके अलावा जो हम कहते हैं कि सूतक काल लग गया, कल शनिवार की रात 10 बजे से सूतक काल लगा है जो लगभग 2 बजे तक सूतक काल रहेगा, तो सूतक काल में क्या परहेज करना चाहिए हालांकि, और क्या अपनाना चाहिए, और इसका वैज्ञानिक कारण क्या है? जैसे कहा जाता है कि सूतक काल में खाना नहीं बनेगा, हम खाना नहीं खाएंगे, तो क्या इसका वैज्ञानिक कारण है? देखिए दो बड़े कारण है कि जब कोई भी ग्रह जैसे सूर्य ग्रहण है तो 12 घंटे पहले अपना सूतक लगा देता है। सूतक का मतलब यह है कि उस वक्त षष्ठी में ब्रह्मांड में ऐसी रश्मियां आने लगती हैं, ऐसी विकिरण, एक तो किरण होता है और एक विकिरण होता है, है ना, वो आपके अन्न में, आपके जल तत्व में, आपके दूध में, आपके खाने के सामान में, सब में अपना असर डालता है, निगेटिविटी डालता है, नकारात्मक शक्तियां डाल देता है। और वहां फिर जो है वो जब हम सेवन करेंगे आगे उसका, तो निश्चित रूप से नकारात्मकता हमारे भोजन के द्वारा शरीर में जाएगी। मैंने थोड़ी देर पहले कहा हमारे जो चक्र हैं वो उल्टा काम करना शुरू कर देंगे, और जो मंत्र जाप करेंगे तो वो सीधा, और कई कई जागृत आज्ञा चक्र, नाभि चक्र और ब्रह्मांड पे आकर के हमारे मंत्रों का एक ब्रह्मांड के साथ में यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे तथा ब्रह्मांडे यथा पिंडे दोनों का मिलन होगा तो अपने आप सब। तो इसलिए वो सूतक काल जो इसलिए कहा गया कि वो जो विषम परिस्थितियां होती हैं ग्रहों की और रश्मियां जो खराब हैं वो हमारे सब चीजों को अशुद्ध करती है, इसलिए हमारे कहा कि द्रोह
आप लंबी जो घास आती है वो सबसे बड़ा कारण है नकारात्मक शक्तियों को बाहर करने का। देखिए मैं शिखा में लगा के लाया हूं अपनी, और अपने पानी में डाल दीजिए। जब भी अगला ग्रहण अभी फिर आएगा चंद्र ग्रहण, हालांकि भारत में दिखाई नहीं देगा लेकिन फिर भी। ये कब आएगा चंद्र ग्रहण? ये 14 दिन बाद। अच्छा, मतलब आज 21 है तो हम मान के चले कि जुलाई के दिन, मेरे ख्याल से 5 जुलाई को। जी जी, तो ये जो आप ध्रुव का बता रहे थे, आप शिखा में लगा के लाए, पानी में डाल दे फिर क्या करें? पानी में डाल दीजिए, जैसे अभी ग्रहण का सूतक आया उसके कुछ देर पहले ही पानी की टंकी में डाल दीजिए, तुलसी पत्र डाल दीजिए। ये डाब बोलते हैं हम इसको, कुछ लोग बोलचाल की भाषा में द्रोबड़ी भी बोलते हैं इसको। उसको आप खाने के डिब्बे में रख दीजिए, आपने अगर भोजन पकाया उसमें रख दीजिए, अपने फ्रिज में रख दीजिए, फ्रिज के ऊपर रख दीजिए, पानी का जो बर्तन है आपका मटका उसमें रख दीजिए, और जो भी आपके खाने पीने की चीजें हैं आप जहां बैठे हैं उस जगह पर रख दीजिए। जैसे आप अभी सैनिटाइजर करते हैं, समझ लीजिए आपका सैनिटाइजर है, बहुत बड़ा काम करती है ध्रुवा और तुलसी पत्र। और इसलिए वो गणेश जी को बहुत पसंद है, बहुत इसलिए पसंद है क्योंकि वो नकारात्मक शक्तियों को गणेश जी सबसे ज्यादा बाहर करते हैं। उनका आकार ही ऐसा है, छोटी छोटी आंखें हैं, दूर का देख लेते हैं, है सुपड़े जैसे कान है, सुरभ कर्णकम दूर का सुन लेते हैं, लंबोदर सब पेट में हजम कर लेते हैं, किसी की इधर से उधर लगाते नहीं है, सबकी सुनते हैं लगाते नहीं है, है ना। तो एक दंत एक दिशा में सोचते हैं, 10 दिशाएं नहीं है उनकी सोचने की। तो ये सब स्वरूप जो है भगवान का, तो नकारात्मकता कहां से आएगी, सब बाहर निकल जाए, इसलिए उनको बहुत पसंद है ध्रुवा। बहुत धन्यवाद गणेश आचार्य कैलाश नागर गुरु जी, हमारे दर्शकों को बहुत ही ज्ञान की बातें बताने के लिए, बहुत ही उपयोगी बातें बताने के लिए, सारी राशियों के प्रभाव बता दिए हैं, समाधान बता दिए हैं, भगवान का भजन कैसे करें ये बता दिया है। ज़रूरत इस बात की है कि इस ग्रहण काल का हम सदुपयोग करें, ईश्वर भक्ति में लीन हो जाएं, अपनी नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करते हुए किस तरह से पॉजिटिविटी के साथ सकारात्मकता के साथ हम आगे बढ़ें, ईश्वर का भाव करें, यही सबसे बड़ी बात है। इस ग्रहण काल का हमें ये करना चाहिए, और हम ये कामना करते हैं कि डिजाइना न्यूज़ अपने सभी दर्शकों के लिए, सभी प्रदेशवासियों के लिए, भारतवासियों के लिए हम ये कामना करते हैं कि कल्याण वस्तु सबका कल्याण हो, सबका मोक्ष हो, सबका भला हो, सबके लिए अच्छा हो, शुभ हो, लाभ हो। देखते रहिए डिजाइना न्यूज़।